खबर शाशाराम से है, जहां शिव सागर थाना क्षेत्र के उसिनपुर गांव में सांप काटने से दो किशोरियों की मौत हो गई। बताया जाता है कि 17 साल की पूनम कुमारी तथा 13 साल की अंशु कुमारी आपस में रिश्तेदार थी तथा दोनों साथ सोई हुई थी। उसी दौरान दोनों को सांप ने काट लिया। बताया जा रहा है कि शरदंश के बाद दोनों किशोरियों को परिजन डॉक्टरों के पास ले जाने के बजाय झाड़फूंक कराने के लिए चले गए। जब दोनों किशोरियों की स्थिति बिगड़ने लगी तो काफी देर के बाद परिजन सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों किशोरियों ने दम तोड़ दिया था। बताया जाता है कि विशुनपुर गांव की रहने वाली पूनम कुमारी के घर उसके भाभी की छोटी बहन अंशु आई हुई थी तथा दोनों साथ में सोई हुई थी। इसी दौरान दोनों को सांप ने डस लिया। अंशु बड ओपी के डीडीआरडी गांव की निवासी थी और सोमनाथ बिंद की पुत्री थी, जबकि पूनम कुमारी बबूल बिंद की पुत्री थी। दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हम लोग तो देखे नहीं, सांप के भवक में झरवाने ले गए। अब झरवाने के फिर हमारे लेकर आए और तो हम देखे नहीं, हमारा घर है या नहीं है। वो इतनी में रिश्ता में गए थे अपना बहन यहाँ, अब तो हम देखे ही नहीं किए, तो अब क्या जानते हैं। कितने लोग की मौत हुआ है जी? कितने लोग की मौत हुआ है? दो आदमी के, दो महिला है, दो लड़की के, दो लड़की है, दोनों लड़की ऐसा बिना बियाल है। क्या नाम है? एगो साल के, एगो पूनम कुमार, एगो अंशु कुमार। दोनों का उम्र कितना होगा? एगो के 10 साल, एगो को 15-16 साल। घटना कहाँ घटा है? बिहार के रोहतास से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट।